तारक मेहता का उल्टा चश्मा भारत में लगभग सभी ने देखा होगा, और अब इसी तारक मेहता के उल्टा चश्मा के किरदार जेठालाल को आप सब जानते होंगे। उनके कई ऐसे डायलॉग्स हैं, कई ऐसे चुटकुले हैं जो लोगों को हंसाते हैं और गुदगुदाते हैं। इसी बीच ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले रेसलर अमन सहरावत जब मेडल जीत कर आए थे, तब उनसे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा था कि आप खाली समय में क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता हूं। फिर क्या, वो भारत आए, उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। जब वो थोड़ा सा फ्री हो गए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिले, तमाम स्वागत हुए, वो राष्ट्रपति से मिले, ये तमाम स्वागत होने के बाद जब वो फ्री हुए तो उनसे मिलने के लिए सीधे कौन पहुंचा, वो आए जेठालाल, यानी कि दिलीप जोशी। बिल्कुल आपने सही सुना, दिलीप जोशी मिलने पहुंचते हैं अमन सहरावत से, और स्वागत कैसे करते हैं, वो भी जलेबी और फाफड़ा खा के। आपने शो देखा होगा तो आपको बिल्कुल याद होगा कि किस तरह से जेठालाल को, यानी कि दिलीप जोशी को, उस किरदार में कितना ज़्यादा जलेबी फाफड़ा पसंद था। तो उन्होंने स्वागत भी कुछ उसी तरीके से किया और इंस्टाग्राम पर स्टेटस भी लगाया। दिलीप जोशी ने जो इंस्टा पर पोस्ट किया, वहाँ उन्होंने लिखा कि अमन सहरावत से मिले और इससे बेहतर स्वागत नहीं हो सकता था। हाथ में जलेबी फाफड़ा की एक तस्वीर थी, ये तस्वीर जो है वो शेयर की अमन सहरावत ने भी अपने इंस्टाग्राम पर। अमन सहरावत ने लिखा कि दिलीप जोशी यानी कि जेठालाल से मिलकर बहुत खुशी हो रही है, उन्होंने मुझसे मिलने के लिए समय निकाला, इसके साथ साथ इस शो को मैं बचपन से देखता हुआ चला आ रहा हूँ। आपको बता दें, अमन सहरावत इन्होंने भारत के लिए कुश्ती में मेडल जीता और इस ओलंपिक में भारत का इकलौता कुश्ती का मेडल ये है, और पिछले 3 बार से लगातार कुश्ती में भारत मेडल लेकर आ रहा है। अमन सहरावत पहली बार ओलंपिक्स में गए थे और मेडल लेकर लौटे हैं। अमन सहरावत की कहानी काफ़ी संघर्ष भरी है, इनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, फिर भी इन्होंने इतनी मेहनत की और इस मुकाम पर पहुंचे हैं, भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाए हैं। अब उम्मीद होगी कि अगली बार गोल्ड और सिल्वर तक भी पहुंचे, क्योंकि अभी बहुत युवा हैं। जब वो भारत लौटे थे तो उनका जोरदार तरीके से एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ था, इसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे, इसके बाद राष्ट्रपति से भी मिले थे, और अब जिनको ये एडमायर करते थे देखते हुए, जब खाली वक्त में आप हंसने और ठिठोली करने के लिए जिस व्यक्ति को देखकर आप खुश होते थे, उनसे जब साक्षात मुलाकात हो जाए तो वाकई में अच्छा लगता है। और ये मुलाकात हुई अमन सहरावत की जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी के साथ। हालांकि दिलीप जोशी जो है वो बहुत खुशमिजाज व्यक्ति हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं और जो कोई भी उनसे मिलता है उनकी तारीफ करता है, यानी कि जेठालाल असल कैरेक्टर में भी जेठालाल की तरह ही है। आपको क्या लगता है, हमें कॉमेंट करके बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।